हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि लिगेंड फील्ड क्या होता है, किस तरीके से क्या हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, कौन हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के वजह से क्या इफेक्ट आता है हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन समझेंगे जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उसकी स्टेट क्या होती है, हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, उसका बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, नेचर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, सो ऑन। ठीक है, बात समझते हैं। आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग रहेगी बेटा? हेडिंग हमारी रहेगी दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हम किसका पढ़ेंगे? पहले फर्स्ट पढ़ेंगे दैट द कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट बेटा? 4। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। इसके लिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपके सामने लेना चाहता हूँ वो बेटा रहेगा NiCO4। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी स्टेट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि निकल मेटल, इसी की हम स्टेट देखने वाले हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम यही है हमारा। तो निकल का हम कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3D8 एंड 4S2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल कौन से स्टेट में प्रेजेंट है बेटा? न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है, तो कोई भी चार्ज नहीं है। तो जो निकल का कॉन्फ़िगरेशन ये है वो इस तरीके से ही रहने वाला है। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं हमारे लिगेंड्स के आने की वजह से। ठीक है, मैं एक 3D ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक 4S ऑर्बिटल है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? यहाँ पे 4P ऑर्बिटल होगा, और एक यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? यहाँ पे एक होगा हमारे पास 4D ऑर्बिटल होगा। नाम लिख देते हैं सबका, ये 3D ऑर्बिटल है, ये 4S ऑर्बिटल है, ये 4P ऑर्बिटल है, और ये 4D ऑर्बिटल है। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें आप पहले कितने ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा? 5 ऑर्बिटल बना लो, 2, 4, 1, 5 बन गए। पी में आप यहाँ पे 3 बना लो, और डी में भी यहाँ पे कितने रहेंगे बेटा? हमारे पास 5 ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक, अब 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको फिल करते हैं। 3D8 को कैसे भरते हैं? देखो इस तरीके से, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर के? 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 1, 8, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने। उसके बाद अगर आप अच्छे से नोट करें तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4s2 और ये 0 और ये 0 कॉन्फ़िगरेशन है। अब होता क्या है बेटा कि ये तो मेटल का ऑर्बिटल है, ये जो हमारा मेटल के ऑर्बिटल है जिसके अंदर जो हमारे लिगेंड्स के मॉलिक्यूल है, क्या बेटा? जो हमारे लिगेंड्स के मॉलिक्यूल हैं कौन से बेटा? यहाँ पे वो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे लिगेंड का मॉलिक्यूल है। ये क्या करने वाला है बेटा? हमारे पास ऐसे टोटल 4 मॉलिक्यूल है, और ये चारों के चारों आके क्या करने वाले? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हमारे सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। बट क्या होता है कि देखो यहाँ पे कौन सा डोनर बेटा? एक कार्बन डोनर है। इसको अच्छे से बनाते हैं पहले। देखो ये क्या बेटा? कार्बन डोनर है, और ये सिंस कार्बन डोनर है इसलिए क्या होता है बेटा? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है कि जब भी वो मेटल को अप्रोच करता है, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, तो क्या करता है? पेयरिंग करना स्टार्ट करता है। वो क्या बोलता है कि देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, और ये तुम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? तो ये लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से ये पेयरिंग करता है। पेयरिंग का मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को उठा के वो यहाँ पर धक्का मार के फेंक देता है। तो मतलब क्या हो रहा है कि 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन 3d8 में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है। इसी को हम बोलते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कौन कर सकता है? बस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? देखेंगे अच्छे से। तो नया जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा 3d10, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, है ना? और 4s क्या हो जाएगा बेटा? 4s खाली हो जाएगा हमारा, 4s0, और 4p0 तो है ही पहले से, और 4D0। इधर समझ में आता आपको?
तो ये तो फील हो गया। अब ये फील हो गया, ये अपने किसी काम का नहीं, इसको पढ़े रहने दो। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हमारे पास चार CO मॉलिक्यूल आने वाले, चार CO लिगेंड्स आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो हमको टोटल चार सेट ऑफ ऑर्बिटल लगेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे। देखो एक ऑर्बिटल यहाँ का काम आ जाएगा, तीन ऑर्बिटल यहाँ के काम आ जाएंगे। तो देखो ये दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एक प्रोसेस के अंदर जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाने के बाद क्या होगा, एक एस और तीन पी, देखो एक एस इसके और तीन पी ऑर्बिटल इसके मिलके क्या बना देंगे बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, है ना बेटा। और ये जब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो क्या होंगे बेटा, नेम सेम एनर्जी के होंगे। हमारे पास इस तरीके से चार ऑर्बिटल होंगे, इनका नाम क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अब हमारे जो चार मॉलिक्यूल हैं CO के, वो अपना चारों के चारों आके इस तरीके से अपने लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जो कि कैसा है नेचर में, sp3। और क्या बनाएंगे बेटा, अपना ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो है NiCO4। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश कर दिया। क्यों पुश करा, इसको हम कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब बात समझना बेटा, देखो ये इलेक्ट्रॉन को, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे धक्का मतलब मारने के लिए, पेयर करने के लिए ज़रूरत होती है एक एनर्जी, इसकी इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोले बेटा, पेयरिंग एनर्जी। और जब लिगेंड हमारे मेटल एटम को अप्रोच कर रहा होता है, जब लिगेंड हमारे मेटल एटम के ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा होता है, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है उसको हम बाद में देखेंगे, उसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारे पेयरिंग एनर्जी से क्या बेटा ज़्यादा है, तो पेयरिंग हो जाती है और ये ज़्यादा होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। तो आपको सिंपली याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है बेटा, पेयरिंग हो जाती है। तो इस तरीके से धक्का मार के पेयरिंग कर दी, ये 3d8 से 3d10 बन गया। एस ऑर्बिटल जो पहले दो इलेक्ट्रॉन थे जिसके अंदर, वो क्या हो गया बेटा, खाली हो गया। और पी तो पहले भी खाली था, तो अपने को सिर्फ चार ऑर्बिटल चाहिए था, तो एक एस तीन पी मिला के क्या बन गया बेटा, sp3। तो देखो एग्जाम में ऐसा आता है कि NiCO4 बताओ क्या है, NiCO4 sp3 है। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। देखो बेटा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, देखो 3d10 मतलब 3d10 मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं। तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा, कंपाउंड होगा हमारा डायमैग्नेटिक होगा नेचर के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे दैट निकल है, इसमें आपके पास है 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, 4s2, 4p0, 4d0, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, ड्यू टू CO, जो कि हमारा क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिखेंगे हम, कि पेयरिंग ऑकर्ड, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होने के बाद अब जो निकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 3d10, 4s2 और 4p0 और हमारा 4d0, ठीक है। और देखिए अब अपने को क्या चाहिए, हाइब्रिड स्टेट चाहिए। देखो इसे बना दो, ये हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास तीन ऑर्बिटल हैं, ये अंदर जाएंगे, लिखना है यहाँ पे दे विल अंडर गो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म व्हाट बेटा, टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरीके से आप लिख देंगे, है ना। और फिर क्या होगा, फिर जो हमारे पास इस तरीके से आप दिखाना कि हमारे पास जो चार CO के मॉलिक्यूल हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से डोनेट करेंगे टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ NiCO, जो कि कैसा होगा बेटा नेचर के अंदर, जो नेचर में होगा हमारा टेट्राहेड्रल की तरह, देख सकते हैं ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल सब वैसे ही है। और साथ में लिखेंगे इसका नेचर कैसा होता है बेटा, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक क्यों होता है ये, बिकॉज ये कैसा होगा, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा, पेयर्ड हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सेकेंड सेम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा जो कॉम्प्लेक्स, इसमें देखते हैं कि NiCN4 2-। सपोज आपको एग्जाम में याद आता है, बोलता है कि इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिड स्टेट बताओ, आप बताओ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हम अभी देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत अच्छे से समझना बेटा, सबसे पहले देखो निकल की स्टेट फाइंड करो, निकल यहाँ पे कौन से स्टेट में होगा बेटा, +2 स्टेट में होगा, तो बच्चा जानता है। अब निकल का नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, निकल का नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 और हमारा क्या होता है बेटा 4s2, ठीक है, 3d8 4s2।
बट निकल निकल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं, वहाँ पे निकल प्रेजेंट है निकल प्लस टू के स्टेट में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3d8 4s0, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे ना, तभी तो Ni प्लस टू बनेगा। तो ये मेटल हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे जो हमने लिख दिया। अब इसका कॉन्फिगरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो देखो लिखो कैसे लिखोगे, 3d8 देखो 3d8 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से आपने बना लिया 3d8। देखो कैसे बनाओगे, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन भर दो पाँच, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे, है ना, ये हमने 3d8 कॉन्फिगरेशन बना दिया आराम से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4s वाला देखो, 4s वाला तो डब्बा खाली है, खाली रहने दो। उसके बाद हमारा यहाँ पे 4p ऑर्बिटल होगा, अभी इसे 4p तक बनाता हूँ, वैसे यहाँ पे एक 4d ऑर्बिटल भी होगा जो भी कह सको खाली है, ठीक। अब बात समझो, अब क्या होगा, कौन आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने आएंगे, साइनाइड आयन आएगा। हम सब जानते हैं साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये कैसा है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब अप्रोच करता है मेटल को तो क्या करता है, वो पेयरिंग करता है, वो बोलता है कि देखो भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो भाई तुम ऐसे अकेले अकेले क्यों बैठे हो, तुम लोग एक ऑर्बिटल खाली करो ना हमारे लिए। तो ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को पुश करके भेज देता है यहाँ पे, बोलता है कि जा चुपचाप के पेयर्ड फॉर्म में रहे, ऐसे अकेले अकेले ऑर्बिटल में नहीं रहते। तो बस स्ट्रॉन्ग फील्डिंग ने काम करते हैं पेयरिंग का, तो इसने पेयरिंग का काम कर दिया, इसने इसको उठा के धक्का दे के कहाँ भेज दिया, इसके पास, ताकि वो क्या हो जाए पेयर्ड, और ये वाला जो ऑर्बिटल एक ऐसा हो जाए खाली हो जाए। तो देखो अब जो 3d8 है वो 3d8 ही रहेगा, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हमारे पास 2, 4, 5 हमारे पास क्या होगा इस तरीके से, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पेड, और ये जो ऑर्बिटल है क्या हो जाएगा डी का खाली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3d है, 4s का ऑर्बिटल ये भी खाली है, और हमारे पास ये 4p का एक ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास खाली है। अब क्या होगा, हमारे पास चार साइनाइड आयन आने वाले, कितने आने वाले बेटा, चार, देखो कि यहाँ पे देख सकते हो चार लिखा हुआ है। अगर चार हमारे पास साइनाइड आयन आने वाले तो अपने पास चार ऑर्बिटल भी होने चाहिए, क्योंकि चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमको अकोमोडेट करना है। तो चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ से अकोमोडेट करोगे, चार ऑर्बिटल से। तो कौन कौन से ऑर्बिटल, देखो एक ऑर्बिटल हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे 3d वाला, एक ऑर्बिटल हम 4s वाला इस्तेमाल करेंगे, दो ऑर्बिटल हो गए, और दो ऑर्बिटल हम इस्तेमाल करेंगे 4p वाला। तो देखो इस तरीके से ये हमारे ये जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ये कहाँ जाते हैं बेटा, ये प्रोसेस में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और ये बनाते हैं एक नया कंपाउंड, एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो नेचर में कैसा होता है, देखो एक डी काम में आया, दो एस काम में आया, सॉरी एक डी काम में आया, एक एस काम में आया, और दो पी काम में आया, तो इसको बोलते हैं हम DSP2। तो इसका स्टेट क्या बेटा, हाइब्रिड स्टेट क्या है, DSP2। हम सब जानते हैं DSP2 का मैंने लिखवाया था आपको कैसा होता है बेटा, वेरी गुड, ये होता है कैसा, हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब एक बात समझना कि होता क्या है कि अब आप एक चीज़ समझिए कि ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कैसा है, इनर ऑर्बिटल है ना, और ये इनर ऑर्बिटल है, जो इनर ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल हमने काम ले लिया किसके अंदर, अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के, मतलब कि देखो डी इनर डी ऑर्बिटल हमने काम में लिया, इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके फॉर्मेशन में इनर डी ऑर्बिटल का, मतलब ये जो 3d वाले ऑर्बिटल है, इनर वाला ऑर्बिटल, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं बेटा क्या, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सिंपल है बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक। अभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, अब उसके बाद एक बात समझिए, अब ये पहले अगर देखो, अगर सिर्फ ये पेयरिंग नहीं करता, अगर ये पेयरिंग नहीं करता तो 3d ऑर्बिटल के अंदर दो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो इसका कुछ ना कुछ तो क्या होता बेटा, इसका कुछ ना कुछ तो हमारा मैग्नेटिक स्पिन होता है ना, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक स्पिन होता। बट सिंस साइनाइड आयन ने क्या करा, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, आपस में पेयर्ड कर दिया, जिसके वजह से अब एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी स्पिन कैसे हो जाएगी बेटा, इसका स्पिन हो जाएगा जीरो। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर स्पिन क्या होता है, कम होता है, देखो पहले इसके दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, पर अब इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका स्पिन क्या हो गया बेटा, कम हो गया। तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब आपको क्या क्या लिखना है, आपको ये सारी चीज़ें कहानी लिखनी है, उसके बाद आप इस तरीके से लिखेंगे दैट Ni CN whole 4, इस तरीके से यहाँ पे -2, आप इस तरीके से लिखना कि Ni+2 की जो स्टेट होती है वो क्या होती है बेटा, 3d8 है ना, 4s0
4P0 इस तरीके से, और 4D0 ये लिख देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग दिखाना किस तरीके से वो डी ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है ना। फिर इस तरीके से यहाँ पे एस बनाना, यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाना आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सिंपली दिखाएंगे कि इसके बाद क्या हुआ, साइनाइड आयन आया, तो साइनाइड आयन आने के वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, पेयरिंग होती है। तो दिखाना किस तरीके से जो इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो जाएंगे बेटा, अब पेयर्ड हो जाएंगे सारे, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे इस तरीके से। देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और एक ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया, है ना। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होगा, एक डी ऑर्बिटल, एक एस और दो पी, और ये जाके बनाएंगे क्या बेटा, डी एस पी टू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जिसके अंदर हमारा साइनाइड आयन आके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बना देगा क्या, हमारा ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, इसका आप लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, देखो किस तरीके से एन आई, यहाँ पे इस तरीके से सी एन सी एन सी एन सी एन, ठीक है। और सबके सब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक। तो ये पता होना चाहिए आपको, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करेंगे और यहाँ पे -2 चार्ज लगा देना, और ये बन गया हमारे कैसे बेटा, ये बन गया हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये लिखोगे आप पॉइंट, फिर उसके बाद आप लिखोगे इसका हाइब्रिड स्टेट है DSP2। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद आपको लिखना है इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनर ऑर्बिटल इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इनर डी ऑर्बिटल। और इसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि पहले इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन क्या होगा बेटा, स्पिन कम हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक चीज़ करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना, ठीक है, वरना कोवेलेंट बॉन्ड समझोगे आप, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाना आप यहाँ पे NiCO4। अब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चल रहा है तो हमारे पास सब ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत होती नहीं, ठीक। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट NiCl4 2-, ठीक है, NiCl4 2-। अब आप पहले ये देखिए Ni किस में प्रेजेंट है बेटा, Ni प्रेजेंट है Ni+2 स्टेट में प्रेजेंट है, और Ni+2 में प्रेजेंट है, मतलब इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होगा बेटा, 3D8 4S2 में से दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, क्योंकि +2 स्टेट है, 4P0 4D0, ये तो खाली होते ही हैं वैसे भी, है ना, 4S वाला खाली होगा क्योंकि +2 स्टेट में। अब हम सब जानते हैं कि जो Cl है वो कैसा बेटा, वो वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि हैलोजन हमारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, है ना। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या ये 3D के ऑर्बिटल को पेयरिंग कर सकता है इसके इलेक्ट्रॉन को, नहीं कर सकता, है ना। तो मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन जो 3D में जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो कैसे रहेंगे, वो इसी तरीके से रहेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में पैर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि Cl कैसा है, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो सिंस अब देखो यहाँ पे तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो और अपने को चार ऑर्बिटल चाहिए इस चार लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए, तो हम एक ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे 4s का, और एक ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे कितने, 3 ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे 4p का। तो ये जाएंगे अंडर हाइब्रिडाइजेशन और बनाएंगे नए सेट ऑफ ऑर्बिटल, चार नए ऑर्बिटल, जिसका नाम होगा बेटा क्या, sp3 सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। और फिर जो हमारे पास चार Cl हैं, इसके बाद जो हमारे पास चार Cl है, चार Cl, वो आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और बना देंगे क्या, हमारा NiCl4। और ये देखो बेटा NiCl4 आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो इट कैन नॉट पेयर्ड अप द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए NiCl4 में Ni का स्टेट क्या बेटा, sp3 है, ज्योमेट्री बना लेना आराम से। देखो NiCl Cl 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 इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा के देखो टेट्राहेड्रल बना देना, बन गया। उसके बाद आप लिखेंगे ये कैसा होता है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कैसे नेचर के अंदर, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट हैं, वीक फील्ड होने की वजह से इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई, और ये अनपेड के अनपेड ही प्रेजेंट है, इसलिए हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा नेचर में, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी शेप टेट्राहेड्रल है, ठीक। और सिंस यहाँ पे आप इसका आउटर आउटर ऑर्बिटल कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब तक इनर डी ऑर्बिटल काम में आता है तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर आउटर डी मतलब अगर 4D ऑर्बिटल काम में आता है तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और स्पिन में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो स्पिन के बारे में आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ओके। ये देखो ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने, Cu Cu NH3
होल फोर प्लस टू, ठीक है, सी यू एन एस सी होल टू। अब देखना, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो सी यू प्लस टू है, इस यहाँ पर सी यू प्लस टू के फॉर्म में प्रेजेंट है, बेटा कौन से फॉर्म में पड़ा, सी यू प्लस टू, और सी यू प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, थ्री डी। देखो नॉर्मली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सी यू का कॉन्फ़िगरेशन बात करूँ तो थ्री डी टेन फोर एस वन, पर सी यू प्रेजेंट है किसमें, प्लस टू में, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो हो जाएगा थ्री डी नाइन फोर एस जीरो, सिंपल है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अमोनिया लिगेंड है जो कि कैसे बड़ा एस एफ एल है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग होने वाली है, पर आप समझो बात समझना। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, पहले हमने ये डी ऑर्बिटल बनाया हमारा, आराम से डी ऑर्बिटल बनाया है ना, उसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया बेटा, पी ऑर्बिटल बनाया, ठीक। अब क्या होता है, कुछ नहीं होता, देखो बेटा हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ बना देता हूँ फटाफट। ये इस तरीके से पूरा सीन है हमारा, ये एस ऑर्बिटल खाली है, पी भी खाली है। अब क्या होता है, जब अमोनिया आता है, अमोनिया आता है और अमोनिया बोलता है कि देख मैं तो कैसा हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो मैं तो पेयरिंग करके मानूंगा, बट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पहले से पेयर्ड अप है, तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा जाएगा कहाँ। तो अमोनिया बोलता है एक काम कर, देख तेरे सामने दो ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो एक काम कर मैं तुझे धक्का मार के यहाँ से उठा के कहाँ फेंक देता हूँ, ये धक्का मार के फेंक देता है कहाँ पे बेटा, ये पी ऑर्बिटल के अंदर इसको फेंक देता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इस तरीके से ये पेयरिंग मतलब एक तरीके से एक्साइटेशन हो जाता है, और वो कौन करता है, अमोनिया मॉलिक्यूल करता है, ठीक है। तो देखो आपको, देखो ये चीज़ें याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो बेटा ये हमारे चार, ये देखो चार के चार ये रहे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ जा चुका है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जा चुका है हमारे पी ऑर्बिटल में जा चुका है, और ये किसने करा बेटा, ये हमारे अमोनिया ने करा, ठीक। तो देखो ये एक ऑर्बिटल खाली हो गया है ना। अब देखो अपने पास से टोटल कितने, चार अमोनिया के मॉलिक्यूल, तो चार ऑर्बिटल भी चाहिए, तो एक ऑर्बिटल हमने इस्तेमाल किया 3D का, एक इस्तेमाल किया 4S का, दो इस्तेमाल करेंगे 4P का, ठीक है, 4P वाले का। तो एक एस, एक डी और एक पी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, डी एस पी टू, आप देख सकते हैं। और डी एस पी टू मतलब इसका ज्योमेट्री कैसी बेटा, इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम फिर से बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और देखो ये नेचर में कैसा बेटा, ये नेचर में पैरा मैग्नेटिक होगा, कैसा होगा बेटा, पैरा मैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि 3D से 4P में क्यों गया, तो याद रखना है कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से ये यहाँ से उठ के वहाँ पे जाता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये, आपको याद होना चाहिए कि CuNH3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन sp3 नहीं होता, sp3 नहीं है, ये कैसा होता है बेटा, dsp2 होता है, और ये कैसा, dsp2 होने के कारण ये कैसा होता है बेटा, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये इसका जो dsp2 है और इसकी ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर है, ना कि टेट्राहेड्रल है। और याद रखना कि ये नेचर में कैसा होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है, हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच जय केमिस्ट्री।